नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि नरेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है कायर मत बन। इस कविता में कवि द्वारा मनुष्य को कायर ना बनने का संदेश दिया गया है। दरअसल कवि का यह कहना है कि दुष्टों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि मनुष्य को संबोधित कर रहा है कि हे मानव, तुम सब कुछ बनो लेकिन डरपोक मत बनो। यदि पत्थर भी तुम्हारे रास्ते को रोकते हैं तो पत्थर के सामने मत झुको, बल्कि पत्थर को ठोकर मारकर वहां से हटा दो। माथा पटकना पाप है, अर्थात जीवन में आने वाली कठिनाइयों से दुखी होना व्यर्थ है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे मानव, लड़ाई झगड़ा करके जिंदगी जीना अच्छा नहीं है। आखिर तुम कब तक दुख दर्द के आंसू बहाते रहोगे? हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए इंसानियत ने अनगिनत सालों तक मेहनत की है, खून और पसीना भी बहा है। अब क्या तुम कुछ नहीं करोगे या फिर बस कायरों की तरह बैठे बैठे अपनी कमजोरी पर रोते रहोगे? एक बार फिर कवि कहता है कि तुम कुछ भी बनो लेकिन कायर मत बनो। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे मानव, जब तुम्हें कोई भी युद्ध के लिए ललकारे तो पीछे मुड़कर सहायता मत मांगना। प्रेम के आधार पर प्राप्त विजय को तुम्हारा रास्ता चूमना चाहिए। कवि मानव से पूछता है कि क्या तुम यह नहीं जानते कि बदला लेना भी अच्छा कार्य नहीं है? हालांकि कायरता प्रतिशोध से भी बड़ी बुराई है। कवि मानव से कहता है कि डरपोक बनने के अलावा कुछ भी बन जाओ। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहा है कि हे मनुष्य, तुम्हारी रक्षा का कोई मूल्य नहीं है। पर एक बात सही है कि मानवता बहुमूल्य होती है। जब मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट कर देता है तो मानवता की रक्षा होती है, यही सत्य का पैमाना है। कवि मनुष्य कहता है कि मानवता के लिए अपना सब कुछ त्याग दो लेकिन दुष्ट के सामने कभी मत झुकना। एक बार फिर कवि मनुष्य को याद दिलाता है कि तुम कुछ भी बन जाओ लेकिन डरपोक मत बनना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल हिंदी फेवरेट टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, ऐसे कुछ और कहानियों के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।